हेलो गाइस टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है आज की जो अपडेट है वो आईपीआर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से इस की है इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रिक्रूटमेंट निकल आई हुई है जिसमें कि डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिटेल्स डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सिलेक्शन प्रोसेस फीस क्या होने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या देखने को मिलेंगे तो देखिए हमें आई पी आर की पर इसका आपको वीडियो के डिस्कस मिल जाएगा तो डाटा पे सर पर आ जाएंगे और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट एडवर्टीज़मेंट पे इंग्लिश और हिंदी दिया हुआ तो हम इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है तेरह सितंबर दो हज़ार तेईस से स्टार्ट हो जाएगा जो कि तेरह दस यानी कि तेरह अक्टूबर दो हज़ार तेईस को शाम के पाँच बजे तक चलने वाला है जैसा कि आप इसके मद दे सकते हैं हमने वहाँ पर क्लिक करके पी डाउनलोड कर लिया ये पी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है नेम ऑफ़ द पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो कि लेवल सिक्स पैंतीस हज़ार चार सौ रुपये आपका बेसिक हो जाएगा कोई भी ट्रेनिंग कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें और आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं रखी गई है देखिए इसके पहले ओ बी सी एस सी एस टी वालों के लिए पोस्ट आई थी तो ये पोस्ट आपको केवल यू आर ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए देखने को मिल जाएगी तो सिविल की एक सीट रखी गई है वो भी ई डब्ल्यू एस की डिप्लोमा आपने करके रखा सिविल इंजीनियरिंग से थ्री ईयर का आफ्टर एस एस सी विद मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पाँच सीटें रखी गई हैं जिसमें दो यू की एक दो ई डब्ल्यू की और एक पी के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करके रखा है थ्री ईयर का विद मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल में दो यू की एक ई की तीन सीटें रखी गई हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल करके रखा है मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क से अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में एक सीट ही रखी गई है यू की सीट है डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से करके रखा है मिनिमम सिक्सटी मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर वाले पोस्ट में आईपीआर में एक सीट रखी गई ई वालों के लिए और सीपीपी आईपीआर में एक सीट रखी गई यूआर वालों के लिए दो सीटें देखने को मिल जाएगी डिप्लोमा करके रखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग से मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने बीएससी करके रखा कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में आई में एक यू आर की एक ई डब्ल्यू एच की सीट रखी गई है और सी पी पी आई पी आर में एक यू आर की सीट रखी गई है तीन सीटें देखने को मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा करके रखा है अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में थ्री ईयर का मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट या फिर सुपरवाइज वेरियस एक्टिविटीज जैसे कि रिलेटेड टू दियर डिसिप्लिन परटेनिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यूजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू आई पी आर एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं मिनिमम एज एटीन ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट थर्टी से रखी गई है रिलेक्सेसन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार पे लेवल लेवल सिक्स की हो जाएगी पैंतीस हज़ार चार सौ रुपए बेसिक हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट शैल बी स्क्रोडनाइज फॉर वैलिड एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आल क्राइटेरिया लाइक एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट फी रिसिप्ट एसेट्रा एज फिल्ड बाई द कैंडिडेट ओनली वैलिड कैंडिडेट विद वैलिड एप्लीकेशन बी फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू उसके बाद इन केस ऑफ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे मल्टीपल चॉइस इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में द फाइनल सिलेक्शन विल बी सोनली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू यानी कि फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एस सी एस टी फीमेल पी डब्ल्यू डी ई डब्ल्यू एस एक्साइल्समैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है अदर कैटेगरीज के लिए दो सौ रूपये अपलिकेशन फीस देना होगा चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि एम एस सी बी ई बी टेक एक्सेट्रा डिग्री देन द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज एन क्लोजिंग डेट for submission of the online application are treated as overqualified for the advertisement post and till not be considered, will not be considered at a later stage if it is found that the candidate has suppressed in the information at the time application related to हिज़ या फिर हर हायर क्वालिफ़िकेशन दियर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसेस यानी कि यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड जिसके पास भी है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे बात कर लेते हैं आपके कि रिटर्न टेस्ट कहाँ पर होगा द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अहमदाबाद गांधी या फिर गोवाहाटी ये दोनों जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे और इंटरव्यू केवल और केवल आपका कहाँ पर होगा द इंटरव्यू विल बी कंडेड एट आई पी मोर डिटेल्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट यानी कि आई पी आर गांधी भाट जो होता है वहाँ पर ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट तेरह दस दो हज़ार तेईस को साढ़े पाँच बजे तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने यहाँ पे दिए हुए हैं कोई भी क्वेरी है अगर आपकी इन केस ऑफ एनी इशू इन फिलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन काइंडली कॉन्टैक्ट इस ई पर आप संपर्क कर सकते हैं सो so गाइज एक छोटी सी अपडेट देनी थी वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लिए नमस्कार